सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मुहासे को कुछ ही दिनों में बिल्कुल से गायब कर देने वाला एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका प्रयोग आप आज से ही शुरू कर देंगे। दोस्तों, अधिकतर यंग एज में चेहरे पर मुहासे की समस्या हो जाती है। हार्मोन्स की गड़बड़ी, पेट की खराबी और त्वचा की सफाई में कमी होने के कारण मुहासे हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मुहासे हो जाएंगे। इसलिए जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें ज्यादा ऑयली क्रीम या चेहरे पर तेल नहीं लगाना चाहिए। जितना हो सके आप अपनी त्वचा को ड्राई ही रखिए। एक बात का ध्यान और रखिए कि मुहासे को कभी भी हाथ से ना फोड़िए। इससे ना सिर्फ उसी जगह पर फिर से मुहासे होंगे बल्कि उस जगह पर मुहासे के निशान भी बन जाएंगे। अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा तो भी आपके चेहरे पर मुहासे होने लगेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बिना किसी देरी के मुहासे की समस्या को एक ही दिन में गायब करने का एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं आपको इस नुस्खे से ही जुड़ी एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताऊंगा। टिप्स में बताए गए नुस्खे का प्रयोग आपको रात में सोने से पहले करना है, जिससे आपको मुहासे की समस्या को दूर करने में और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो टिप्स में बताए गए नुस्खे का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक चम्मच शहद। जी हाँ दोस्तों, एक चम्मच शहद आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच शहद ले लेता हूँ इस तरीके से। एक चम्मच आपको शहद ले लेना है। अब दोस्तों, जो इसमें आपको दूसरी चीज प्रयोग करनी है वो है नींबू का रस। जी हाँ दोस्तों, नींबू का रस आपको एक चम्मच ले लेना है। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच नींबू का रस भी ले लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से नींबू का रस भी आपको ले लेना है। दोस्तों, तीसरी जो चीज मैं इसमें प्रयोग करने वाला हूँ वो है दालचीनी का चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी को आपको पीस लेना है और करीब 2 से 3 चुटकी दालचीनी का प्रयोग आपको इस नुस्खे में करना है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चुटकी दालचीनी का चूर्ण मिला लेता हूँ। इस तरह से आपको 2 से 3 चुटकी दालचीनी का चूर्ण इसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद चलिए अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपको इसे अपने चेहरे पर लगा लेना है। लगाने के बाद आप करीब 20 से 30 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगा छोड़ दीजिएगा और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिएगा। इस नुस्खे का प्रयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम को। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है। अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे से मुहासे एक ही दिन में कम होने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में बताए गए नुस्खे का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको चेहरे से मुहासे को दूर करने में और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए टिप्स में बताए गए नुस्खे का प्रयोग आप रात में जरूर करिएगा। एक चम्मच जायफल के पेस्ट में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर रात में सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाइए। रात भर अपने चेहरे पर लगा छोड़ दीजिए। सुबह ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। इससे भी चेहरे के मुहासे बहुत ही शीघ्र गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह 10 बजे एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।